चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस एम ए एम बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दीज डिस्टेंसेज. चलो सबसे पहले दो डिफरेंट, जैसे ये ग्राउंड है, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना फिगर के चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. जैसे ये डिस्टेंस यहाँ से ए है, ये डिस्टेंस यहाँ से बी है, दो बॉडीज हैं, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी. ठीक है, ड्रॉप किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि वर्ड यूज़ कर रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है. ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी एम मास की बॉडी एच हाइट से ड्रॉप की जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो एस इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. करेक्ट है, तो एस की वैल्यू एच हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, हाफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, ये क्यों नहीं लिख रहा है, हाँ ठीक है. फिर टाइम लगा टी, तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच बाई जी होता है, या टी इज इक्वल टू अंडर रूट में टू एच बाई जी होगा, सही है. अब एच की जगह अगर मैं ए और बी रख दूं तो टी ए इज इक्वल टू टू ए बाई जी और टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट में टू बी बाई जी. तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट में टी अंडर रूट में ए बाई बी हो जाएगा, सही है. तो कौन सा ऑप्शन सही है, अंडर रूट में ए बाई बी, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.